हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2021 और फ्रेंड्स, विराट कोहली द्वारा आरसीबी की कप्तानी छोड़ने के बाद आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा, वहीं एबी डिविलियर्स की संन्यास के बाद हो गई है आरसीबी टीम में वापसी और फ्रेंड्स के पर्स में कितना बैलेंस बचा है, वही हम बात करेंगे। इनके टारगेट खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं मेगा ऑक्शन में, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट और आईपीएल के बहुत बड़े फैन, ट्यूब चैनल नेशनल क्रिकेट को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, विराट कोहली को इस टीम ने सबसे पहले रिटेन किया है, जिन्हें कि 15 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ में, वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को इस टीम ने 7 करोड़ में रिटेन किया है। कुल मिलाकर ये टीम 33 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं इस टीम के पास अब बैलेंस पर 57 करोड़ होगा, जिसका इस्तेमाल वो मेगा ऑक्शन में करना चाहेगी। फ्रेंड्स, विराट कोहली द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद आरसीबी का इस बार हमें नया कप्तान देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये टीम के एल राहुल के पीछे मेगा ऑक्शन में भागने वाली है, जिससे बड़ी बोली लगाकर ये अपनी टीम में शामिल करके इनका नया कप्तान बनाया जा सकता है इन्हें। कुल मिलाकर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि डेविड एक्सप्लोजी वार्नर को भी ये टीम में शामिल करना चाहेगी, और अगर केएल राहुल इन्हें कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं तो डेविड एक्सप्लोजी वार्नर को ये टीम अपना कप्तान बना सकती है। वहीं बात करें मध्य क्रम की तो कैरेबियन विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन को इस टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि चिन्नास्वामी का स्टेडियम कुछ छोटा होने के कारण इनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं बात करें ऑलराउंडर्स की, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। वहीं बात करेंगे वामिंडू हसरंगा की, जिन्होंने T10 अबू धाबी टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था, उन्हें भी ये अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। वहीं चिन्नास्वामी स्टेडियम में युजवेंद्र चहल से बेहतर स्पिन गेंदबाज इन्हें नहीं मिल सकता। वहीं 2021 पर्पल केप कितने वाले हर्षल पटेल को आरसीबी अपनी टीम में वापस शामिल करना चाहेगी। वहीं बात करें एबी डिविलियर्स की, तो एबी डिविलियर्स संन्यास के बाद एक बार फिर आरसीबी टीम में वापसी हो गई है और उनकी भूमिका अब बदल जाएगी, वो कोचिंग स्टाफ में आरसीबी के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर आज तक 14 सीजन में आरसीबी की टीम कभी भी चैंपियन नहीं बन पाई, तो क्या 2022 में एक नए कप्तान के साथ आरसीबी की टीम चैंपियन बन पाएगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।